कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, जाति सर्दी फिर लौट आई। पंजाब और केपीके में वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। उधर केपीके में बारिशों ने तबाही मचा दी। केपीके में बारिशों से 20 अफराद जान बहक, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इमारतों और मवेशियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी है, जिसके बायस जाति सर्दी फिर लौट आई। तो उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मुतअद्दिद अफराद जान बहक और जख्मी हो गए। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक मर्दान में 6 अफराद, पेशावर और चारसदा में 2-2 बच्चे जान से गए। नौशहरा में 2 बच्चे, मुनीर में 1 बच्चा, जबकि सवात में 4 अफराद जान बहक हुए। बारिश से 49 मकान को नुकसान पहुँचा। सवाबी में 2 मकान की छत गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। केपीके में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 39 मवेशी भी हलाक हुए हैं। पीर महल में बारिश से मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी हुए। उधर कालाबाग में गुज़श्ता 5 रोज से जारी बारिशों से नदी नालों में तोगयानी आ गई, जिससे गाड़ी बरसाती नाले में फंस गयी। बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बर्फ की गोले बरसे तो मलका कोहसार ने सफेद चादर ओढ़ ली। दूसरी जानब शांगला में शदीद बर्फबारी हुई, जिसके बायस बशाम सवात रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि दीगर बलाई इलाकों में ट्रैफिक बर्फानी तोदों के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है।